प्रूव करना है हमें कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। तो पहले हम इंटरनली जो है इसे रेशनलाइज करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। नाउ कॉट इनवर्स, ऊपर न्यूमरेटर में अंडर रूट वन प्लस कॉस साइन एक्स और प्लस वन अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स जो हैं दोनों सेम टर्म हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन प्लस साइन एक्स के अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। यहाँ हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं दोनों के। नाउ ऊपर जो है अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स, सॉरी वन प्लस वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स और अपॉन में बचा वन प्लस साइन एक्स और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ओपन करेंगे तो माइनस वन और प्लस साइन एक्स आएगा। नाउ वन से माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऊपर भी जो है अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल दोनों के। अब बचा ऊपर कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स और ये प्लस में टू और ये अंडर रूट के अंदर जो है वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स जो है इसको अंडर रूट कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स का रूट और वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट और वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा ये बचेगा कॉस एक्स। नाउ इसको सॉल्व करते हैं और अपॉन में बचा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू साइन एक्स एंड ऊपर ये साइन एक्स से साइन एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ ये बचा हमारे पास कॉट इनवर्स, ऊपर बचा वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस एक्स और अपॉन में टू साइन एक्स। अगर ऊपर वाले दोनों टर्म्स में से अगर हम टू कॉमन ले लें, टू कॉमन लेके हम बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स और नीचे वाला टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स।
अब 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स में अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले लगाएं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूले में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और अपॉन में साइन एक्स को हाफ एंगल में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये हमने हाफ एंगल फॉर्मूलों में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें x बाय 2 की टर्म में लाना था, तो x जो है वो थीटा था, तो थीटा को थीटा बाय 2 की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाफ एंगल में कन्वर्ट करना था। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर x बाय 2 के स्क्वायर से एक ये कॉस x बाय 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कॉट इनवर्स कॉस x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 जो कि होता है कॉट x बाय 2, और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x बाय 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।